हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल आज है चार दिसंबर 2023 आइए देखते हैं 29 नवंबर 2023 से चार दिसंबर 2023 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर बेस्ड एमसीक्यूज़ हर क्वेश्चन के लिए आपको पांच सेकंड्स का समय मिलेगा पांच सेकंड्स के अंदर आपको सही ऑप्शन चुनना होगा और जैसे ही पाँच सेकेंड्स खत्म हो जाते हैं सही आंसर खुद ब खुद रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर पहला क्वेश्चन है हाल ही में कॉप 28, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की बैठक के दौरान प्रमुख तेल और गैस कंपनियों ने कब तक नेट जीरो या कार्बन तटस्थ या कार्बन न्यूट्रल होने का संकल्प लिया है आपके पास ऑप्शंस हैं 2030, 2037, 2045, 2050. हज़ार सेकंड्स पाँच का समय है आपके पास समय शुरू होता है अब इसका करेक्ट आंसर है 2050. अतिरिक्त सूचना है नेट ज़ीरो 2050 तक होने का संकल्प लिया है प्रमुख तेल और गैस कंपनियों ने नेट जीरो मिथेन होने का संकल्प लिया है 2030 तक और तेल और गैस कंपनियों का योगदान कार्बन उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन में रहता है 5.1 बिलियन टन दैट इज पंद्रह प्रतिशत उत्सर्जन यानी कुल ऊर्जा संबंधित उत्सर्जन का लगभग पंद्रह प्रतिशत उत्सर्जन तेल और गैस कंपनियां करती हैं ठीक है उत्सर्जन से क्या समझते हैं उत्सर्जन को अंग्रेजी में एमिशन बोलते हैं एमिशन का मतलब है कार्बन एमिशन से मतलब है यहां पर कार्बन एमिशन मतलब कार्बन का उत्सर्जन कार्बन आप जानते हैं कार्बन से बहुत सारे एलिमेंट्स बनते हैं बहुत सारे यौगिक बनते हैं ठीक है और यह ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये सारी गैसें ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं सिर्फ़ ह्यूमन के लिए नहीं एनिमल हेल्थ के लिए भी प्लांट्स के लिए भी ये सही नहीं होती हैं ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट के लिए सही होती हैं लेकिन बाकी एनिमल्स के लिए सही नहीं होती हैं ठीक है क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस हैं तो इनके उत्सर्जन को रोकने का संकल्प लिया गया है पहले तो सिर्फ सरकारें लेती थी लेकिन अब तेल और गैस कंपनियों ने भी संकल्प लिया है कि 2050 तक ये नेट जीरो हो जाएंगे नेट जीरो का मतलब क्या है कि कार्बन उत्सर्जन करना बंद कर देंगे इसके बाद ये रीन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड होंगे ठीक है और अभी कॉप ट्वेंटी का समिट कहाँ चल रहा है कॉप ट्वेंटी का समिट अभी चल रहा है यू ए ई में यू ए में ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन है राइट होल माइनिंग तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है राइट होल माइनिंग आपने हाल ही में न्यूज में आया था आपने जरूर सुना होगा ऑप्शंस हैं इसका प्रयोग सामान्यतया कोयले की माइनिंग में किया जाता है दूसरा कथन है साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग इस तकनीक के दो प्रकार हैं तीसरा ऑप्शन है, है मेघालय में यह तकनीक 2014 से एन यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा प्रतिबंधित है और चौथा ऑप्शन है हाल ही में इस तकनीक का प्रयोग उत्तराखंड के देहरादून में 41 श्रमिकों की जान बचाने के लिए प्रयोग हुआ था तो आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन गलत है तो गलत ऑप्शन आपको बताना है ठीक है गलत कथन बताना है आपके पास पाँच सेकेंड्स का समय है समय शुरू होता है अब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज हाल ही में इस तकनीक का प्रयोग उत्तराखंड के देहरादून में 41 श्रमिकों की जान बचाने के लिए प्रयोग हुआ था यह कथन गलत है क्यों क्योंकि देहरादून में नहीं ये किसी और शहर में हुआ था उत्तरकाशी ठीक है उत्तर काशी ज़िले में सिल्कियारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों की जान बचाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया गया था कई और भी मशीनें ले जाई गई थी जैसे ऑगर मशीन ठीक है अमेरिका से मंगाई गई थी ऑगर मशीन लेकिन यह काम नहीं कर पाई श्रमिकों को नहीं बचा पाई ऑगर मशीन से ड्रिलिंग करते समय मशीन टूट गई ठीक है इसके बाद मैनुअल तरीका अपनाया गया मतलब हाथों से काम किया गया जो इंजीनियर्स थे ठीक है उन लोगों ने हाथ से चूहे की तरह टनल को खोदा और फिर श्रमिकों को बचा लिया तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाकी सारे सही हैं कोयले की माइनिंग में उपयोग होता है इस तकनीक का साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग इस तकनीक के दो प्रकार हैं साइड कटिंग में क्या होता है इस तरह से जब कोई हिली एरिया होता है और यहाँ से कोयला निकालना होता है तो साइड कटिंग तकनीक में इस स्लोपी एरिया को इसमें हॉल बनाया जाता है चूहे के जैसे ठीक है इसमें होल बनाया जाता है और अंदर से कोयला निकाला जाता है ठीक है और बॉक्स कटिंग तकनीक में क्या होता है एक एरिया में एक स्क्वायर शेप में कटिंग होती है वर्टिकली ठीक है साइड कटिंग में ये हॉरिजॉन्टली कटिंग होती है लेकिन बॉक्स कटिंग में ये स्क्वायर शेप में कटिंग होती है वर्टिकली और जब डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाते हैं श्रमिक मतलब जहाँ पे जहाँ से कोयला निकालने की ज़रूरत होती है उस स्थान तक जब पहुँच जाते हैं श्रमिक सपोज स्क्वायर कटिंग करके यहाँ तक कोयला मिल गया यहाँ पर इसके बाद उसमें हॉरिज़ॉन्टली कटिंग शुरू हो जाएगी चारों तरफ से ठीक है हॉरिज़ॉन्टल कटिंग शुरू हो जाएगी इस कटिंग इस तकनीक को बोलते हैं बॉक्स कटिंग तकनीक और फिर यहाँ से कोयला निकाला जाएगा मेघालय में यह तकनीक 2014 से प्रतिबंधित है क्यों इस पर प्रतिबंध लगाया है एनजीटी ने क्योंकि मेघालय में कई श्रमिकों की मौत हो गई थी क्योंकि राइट हॉल माइनिंग टेक्निक में स्लोपी एरिया को हम हॉरिजॉन्टली ड्रिल करते हैं मैनुअली ठीक है चूहे जैसे हम खोदते हैं और यहाँ से हम कोयला निकालने का काम करते हैं मेघालय में क्या हुआ ठीक इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया था कोयला निकालने के लिए लेकिन जब हॉल बनाया गया तो उसमें नदी का पानी घुस गया जिसके चलते कई श्रमिकों की मौत हो गई इसलिए 2014 से इस तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने चलते हैं अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार कृषि के कृषि में प्रयोग के लिए स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को ड्रोन देगी तो कितना ड्रोन देगी सॉरी कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को ड्रोन देगी केंद्र सरकार आपके पास ऑप्शन है दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार या पच्चीस हजार पाँच सेकेंड्स का समय है समय शुरू होता है अब इसका करेक्ट आंसर है पंद्रह हजार ठीक है तो केंद्र सरकार के द्वारा पंद्रह हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को ड्रोन्स उपलब्ध कराएगी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा केंद्र सरकार आठ लाख रुपये देगी और दो लाख रुपये इनको अरेंज करना पड़ेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को किस तरीके से अरेंज करेंगी एक, एक ड्रोन की खरीदारी में दस लाख रुपए खर्च होंगे ठीक है दस लाख में आठ लाख तो केंद्र सरकार देगी और दो लाख इनको खुद अरेंज करना पड़ेगा ठीक है जब ड्रोन्स आ जाएंगे तो ड्रोन को सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं किसानों को किराए पर देंगी रेंट पर प्रोवाइड करेंगी और किसानों से जो इनकम आएगा सेल्फ़ हेल्प ग्रुप के पास उस इनकम से ही ये दो लाख रुपए चुका देंगी और फिर बाकी शेष जो बचेगा वो इनकी कमाई होगी तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर केंद्र सरकार ने हाल ही में फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को अगले कितने वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ऑप्शंस हैं तीन वर्ष पाँच वर्ष दस वर्ष या फिर सात वर्ष आपके पास पाँच सेकंड्स से हैं समय शुरू होता है अब इसका सही आंसर है तीन वर्ष यहाँ पर इसका डिटेल है फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के बारे में प्रारंभ हुआ था 2019 में ठीक है अब ये तीन साल के लिए यह योजना चलाया गया था थ्री ईयर्स के लिए 2022 में यह खत्म हो गया था अभी 23 से मतलब 23 में खत्म हो गया था फिर अभी 23 से फिर इसको बढ़ा दिया गया है तीन साल के लिए और इस योजना में टोटल खर्च होंगे उन्नीस करोड़ रुपए लगभग ठीक है जिसमें 1200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार देगी सात सौ साढ़े सात सौ करोड़ रुपए। और केंद्र सरकार जिस फंड से देगी पैसा उस फंड का नाम है निर्भया फंड इसको क्रिएट किया गया था ठीक है 2018 में और इसका उद्देश्य क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो रेप केसेस होते हैं और पोक्सो के अंदर जो केसेस होते हैं उनको फास्ट ट्रैक करेगा या कोर्ट पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस इसके अंतर्गत जो भी केसेस होंगे जो भी मामले होंगे उसका त्वरित निपटान किया जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्टों के द्वारा एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया था लेकिन वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ सात सौ इकसठ फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑपरेशनल हैं कुल तीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दो कथन दिए गए हैं पीएम जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजा जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है पहला कथन है यह विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानि पी से संबंधित है इस योजना की कुल लागत चौबीस हजार एक सौ चार करोड़ है तो दो कथन दिए हैं इनमें से कौन सा सत्य है आपको बताना है नीचे कोड दिए हुए हैं केवल एक केवल दो, दोनों एक और दो दोनों नहीं आपके पास पांच सेकंड से शुरू होता है अब इसका सही आंसर है दोनों एक और दो यानी दोनों कथन सही हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी झारखंड के खूंटी जिले से हुई थी और कब हुई थी पंद्रह नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी इसमें कुल लागत इसकी कुल लागत है चौबीस हज़ार एक सौ चार करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र सरकार देगी पंद्रह हज़ार तीन सौ छत्तीस करोड़ रुपए और राज्य सरकार देगी आठ हज़ार सात सौ अड़सठ करोड़ रुपए। और इस मिशन को चलाया जाएगा 75 फाइव समूह के लिए पी ग्रुप्स के लिए समय चलाया जाएगा 75 फाइव ग्रुप के लिए और इस मिशन के अंतर्गत 4.9 लाख पक्के घर बनाए जाएंगे 8000 किलोमीटर का संपर्क रोड बनाया जाएगा यानी कनेक्टिंग रोड कनेक्टिविटी रोड और बाईस हजार में हर घर पाइप द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा 2500 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे एक हज़ार मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और तीन हज़ार गाँव में मोबाइल टावर्स लगाए जाएंगे पाँच सौ विकास केंद्र बनाए जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा अभियान है पीवीटीजी ग्रुप्स के लिए और यहीं से शुरू हुआ था खूंटी से ही विकसित भारत संकल्प अभियान चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्तियों में अनुचित माध्यमों के रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय कानून 2023 अधिनियमित हुआ है क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं फिर से हाल ही में किस राज्य में प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्तियों में अनुचित माध्यमों के रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय कानून 2023 अधिनियमित हुआ है मतलब एक्ट पास हुआ है प्रतियोगिता परीक्षा के ऊपर आपके पास ऑप्शन हैं झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश असम पांच सेकेंड्स का समय है शुरू होता है अब इसका सही आंसर है झारखंड कुछ सूचना है आपके लिए जरूरी चीटिंग करते समय जो पकड़े जाएंगे जो कैंडिडेट उनके ऊपर दस करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है मतलब दस करोड़ ये मैक्सिमम लिमिट है आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पहली बार जब ऑफेंस करेंगे फर्स्ट ऑफेंस में मतलब पहली बार जब गलती करेंगे तो पाँच लाख रुपए का जुर्माना लगेगा या जेल की सज़ा होगी सेकेंड ऑफेंस में दस लाख रुपए का जुर्माना लगेगा या जेल की सज़ा हो सकती है लेकिन अगर बार बार पकड़े जाएं, रिपीट करने लगेंगे तो मैक्सिमम दस करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और आजीवन कारावास भी हो सकता है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है मिलन युद्धाभ्यास निम्न में से कौन सी सेना के द्वारा आयोजित किया जाता है ऑप्शन है वायुसेना जलसेना थल सेना, जल सेना या संयुक्त सेना आपके पास पांच सेकंड से समय शुरू होता है अब इसका सही आंसर है जल सेना यानी इंडियन नेवी के द्वारा यह एक्सरसाइज किया जाता है मिलन युद्धाभ्यास ठीक है और मिलन युद्धाभ्यास के बारे में जानकारी है यह बायनियल मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है यानी द्विवार्षिक बहुपक्षीय जल सेना अभ्यास है उन्नीस से प्रारंभ हुआ है और भारत का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है और इस साल 50 देशों के नेवी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है हानि एवं क्षति निधि यानी लॉस एंड डैमेज फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तीन कथन दिए गए हैं आपके सामने कथन पढ़ते हैं पहला कथन है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी आईएमएफ इस निधि का मेजबान है मतलब अगले चार साल के लिए आईएमएफ को मेजबान बनाया गया है दूसरा कथन है इस निधि के माध्यम से विकसित देश विकासशील एवं अल्प विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने में सहयोग करेंगे और तीसरा कथन है कॉप ट्वेंटी एट यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ट्वेंटी की बैठक में इस निधि को चालू करने का निर्णय लिया गया है ठीक है बना तो बना तो पहले से ही था लेकिन कॉप ट्वेंटी एट में इसका इसको ऑपरेशनल करने का निर्णय लिया गया है ये कथन तीसरा कहता है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है ऑप्शन हैं केवल कथन एक और दो केवल कथन दो और तीन केवल कथन एक और तीन या उक्त सभी पाँच सेकंड से आपके पास समय शुरू होता है अब इसका सही आंसर है केवल कथन दो और तीन यानी कथन एक गलत है क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष ने नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक ने इसके मेजबानी करने का निर्णय लिया है ठीक है वर्ल्ड बैंक मतलब लॉस एंड डैमेज फंड की मेजबानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाएगी अगले चार वर्षों के लिए और यह फंड क्या है विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड नेशंस यह फंड जमा करेंगे और गरीब देशों को यानी डेवलपिंग कंट्री या फिर अल्प विकसित देश सेमी डेवलप्ड कंट्रीज़ इनको हेल्प करेंगे ठीक है मतलब विकसित देश पैसा जमा करेंगे और फंड में पैसा जमा करेंगे उस फंड के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज और अल्प विकसित देश यानी सेमी डेवलप्ड कंट्रीज़ को सहायता प्रदान की जाएगी क्लाइमेट चेंज की समस्या से लड़ने में ठीक है डेवलपिंग कंट्रीज़ और नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ में कई स्मार्ट टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा जिससे क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके और स्मार्ट टेक्निक्स कौन देंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ तीसरा कथन के बारे में थोड़ा देखते हैं लॉस एंड डैमेज फंड पहले ही बनाया गया था कॉप 27 के दौरान कॉप 27 सेवन हुआ था यह हुआ था शर्म अल शेख शर्म अल शेख इजिप्ट में ठीक है लास्ट ईयर और कॉप 20 समिट हर साल होता है ठीक है कॉप ट्वेंटी सेवन में ही डिसीजन हुआ था कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा हालांकि बना दिया गया था कॉप ट्वेंटी सेवन के दौरान ही लेकिन उसको ऑपरेशनल नहीं किया गया था और उसको ऑपरेशनल किया गया है कॉप ट्वेंटी एट समिट के दौरान चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हाल ही में किस देश ने तैंतीसवां कॉप सम्मेलन 2028 की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया है मतलब 2028 में जो तैंतीसवां कॉप सम्मेलन होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन होगा ये कहाँ पर होने की संभावना है मतलब प्रस्ताव दिया है किस देश ने ऑप्शन हैं भारत चीन अमेरिका ब्राजील आपके पास पाँच सेकंड्स हैं समय शुरू होता है अब इसका सही आंसर है भारत तो 2028 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 33 सम्मेलन भारत में होगा ठीक है अब यहाँ पे कुछ सूचना दी गई है कॉप 29 नाइन ये चेक रिपब्लिक में होगा कॉप 30 ब्राजील में होगा और कॉप 31 वन ऑस्ट्रेलिया में होगा अब कॉप 32 टू कहाँ होगा ये अभी आ, इसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है हो सकता है कोई देश प्रस्ताव दे इसके बाद जानकारी उपलब्ध हो पाएगी ठीक है कोप का फुल फॉर्म क्या होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसके अंतर्गत आती है यू एन एफ सी 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 यूएनएफसी का फुल क्या होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी पृथ्वी को हम क्लाइमेट चेंज से कैसे बचा सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा सकते हैं ये सारे डिस्कशंस होती हैं कोप्स के माध्यम से मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के माध्यम से ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है जी आई ए एन ज्ञान योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ऑप्शन हैं इसके अंतर्गत विश्व भर के प्रख्यात विद्वान भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए बुलाए जाते हैं दूसरा कथन है इसके अंतर्गत फैकल्टी को रुपए सात लाख प्रति सप्ताह की दर से भुगतान किया जाता है तीसरा ऑप्शन है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और चौथा ऑप्शन है यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपके पास पांच सेकंड्स का समय है समय शुरू होता है अब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी आपको बताना था कि कौन सा कथन गलत है तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत कथन है क्यों क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है ये आता है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ज्ञान का फुल फॉर्म क्या है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क इन हायर एजुकेशन इसका चौथा चरण शुरू करने की बात हो रही है सरकार इसका चौथा चरण प्रारंभ करेगी कुछ ही दिनों में इसके अंतर्गत दुनिया भर से स्कॉलर्स को बुलाया जाता है प्रख्यात विद्वानों को भारत में बुलाया जाता है और विश्वविद्यालयों में पढ़ने का ऑफर दिया जाता है और उसके लिए प्रति सप्ताह सात लाख रुपए पेमेंट किया जाता है और दो सप्ताह के लिए पंद्रह लाख रुपए दिया जाता है सॉरी पंद्रह नहीं बारह लाख रुपए दिया जाता है ठीक है ये पूरा बहुत शानदार पैकेज है और इसकी शुरुआत मोदी जी ने की थी दो में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है ऑप्शन है? है मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा या नागालैंड आपके पास पांच सेकंड्स से हैं, समय शुरू होता है इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिपुरा यहां पर आप मैप देख सकते हैं ये व्हाइट में नॉर्थ ईस्ट का मैप है जिसमें ये म्यांमार इस साइड में है ईस्टर्न साइड में और म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमाएं साझा कर रही हैं यह है मिजोरम मणिपुर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा इस साइड में है वेस्टर्न साइड में है ठीक है त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है ना कि म्यांमार के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एन एनसीआरबी के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित असुरक्षित शहर कौन सा है ठीक है असुरक्षित यानी अनसेफ शहर कौन सा है यहाँ पे ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा ठीक है ऑप्शंस हैं दिल्ली बेंगलुरु कोलकाता चेन्नई सेकंड्स का समय है आपके पास समय शुरू होता है अब इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली ठीक है दिल्ली में अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंकड़े जारी किए हैं जिसमें कहा है कि दिल्ली में हर दिन तीन रेप केसेस रजिस्टर होते हैं और पिछले तीन वर्षों से यानी 2020, 2021 और 2022 में दिल्ली टॉप पर रहा है अनसेफ शहर की कैटेगरी में ठीक है अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी की कैटेगरी में पिछले तीन सालों से दिल्ली टॉप पर रहा है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिचाओ का नामकरण किस देश ने किया है आपके पास ऑप्शन है थाईलैंड म्यांमार इंडोनेशिया या मलेशिया पांच सेकंड्स का समय है शुरू होता है अब इसका सही आंसर है म्यांमार और चक्रवात मिचोंग का अगर पाथ आप देखें तो ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में यानी तमिलनाडु से ईस्टर्न डायरेक्शन में और इंडिया से साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में ये यहाँ पे उत्पन्न हुआ है मिचोंग साइक्लोन ठीक है और ये नॉर्थ वेस्टर्न पाथ को फॉलो करते हुए ये पहुंच गया है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और तमिलनाडु इन क्षेत्रों को बुरी तरीके से हिट किया है मिचोंग साइक्लोन ने और उम्मीद है कि ये आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल करेगा इसे काफ़ी एरियाज अफेक्टेड हुए हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इवन तेलंगाना के भी कुछ पार्ट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है हाल ही में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस राज्य को छोड़कर सभी बाकी सभी राज्यों में प्रचंड बहुमत प्राप्त हुई ठीक है तो क्वेश्चन फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि हाल ही में विधानसभा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उसके रिजल्ट जारी हुए तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने किस राज्य को छोड़ करके बाकी शेष राज्यों में प्रचंड बहुमत प्राप्त किया ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश राजस्थान तेलंगाना या छत्तीसगढ़ आपके पास पाँच सेकंड्स हैं समय शुरू होता है अब इसका सही आंसर है तेलंगाना यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट आप देख सकते हैं स्टेट इलेक्शंस 2023 मध्य प्रदेश में भाजपा को मेजोरिटी मिली ठीक है एक सीट्स मिले कांग्रेस को मात्र 63 मिला और बीएसपी को ज़ीरो दर्स को एक ठीक उसी तरह राजस्थान में बीजेपी को मेजोरिटी मिली एक सीट्स के साथ कांग्रेस को सिर्फ सत्तर मिला फिर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी विजय हुआ चौवन सीट्स मिले बीजेपी को और कांग्रेस को मात्र छत्तीस सीटें मिली लेकिन तेलंगाना में बीजेपी आ, कुछ खास नहीं कर पाई और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी मेजोरिटी मिली और बीआरएस आर चालीस सीटों पर सीमित हो गई और बीजेपी को सिर्फ नौ सीटें मिली ठीक है तो इस तरीके से तेलंगाना को छोड़कर के बाकी सभी में मेजोरिटी मिल गई बीजेपी को यानी बड़ी पार्टी उभर कर आई अब सरकार होगी बीजेपी की मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो आज के एमसीक्यू में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स अलोड फॉर वॉचिंग